हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो रैंडम फंक्शन को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर एक आपकी जरा सा रिकॉल करा देता हूँ मैं। रैंडम एक प्रकार का फंक्शन है जो पाइथन में यूज होता है, ये एक प्रकार का मॉड्यूल भी होता है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस या मेथड आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल एक यूज करके दिखाता हूँ। देखिए रैंडमली पॉइंट वाले नंबर ये जनरेट करेगा, क्योंकि इसमें रैंडम इंट का यूज नहीं किया मैंने, ठीक है, और इसे इंपोर्ट भी करवा लिया है। तो अभी इसको F5 करके रन कराता हूं, तो देखिए एक नंबर आ गया। अगर इसी को दोबारा से मैं रन कराता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसी को दोबारा से मैं रन कराता हूं, यहां पे देखिए क्या नंबर आया हुआ था, आपको दिख ही रहा है। यहां पर थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई पड़े। ये देखिए यहां पे देखिए, ये इसको साइड करता हूं, 0.16 करके आया हुआ है। ये देखिए यहां पे देखिए, ये देख रहे हैं 0.67 करके आया हुआ है। और यहां पर अगर मैं इसको दोबारा से रन करा देता हूं, रिजल्ट क्या आएगा, ये देखिए 0.36 आ गया। अगर फिर इसको रन करा देता हूं, ये देखिए, तो अभी क्या आएगा 0.70। हर बार अलग अलग नंबर जनरेट करेगा, ठीक है। तो रैंडम एक फंक्शन है, रैंडम एक मॉड्यूल है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब फिलहाल इसका यूज कैसे करना है वो मैंने आपको दिखाया है, इसके पहले भी मैंने दिखाया है, थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए ये वीडियो बना दिया है।